हेलो एवरीवन, कुक विद गुरमीत में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे घर पे इंस्टेंट मावा। इस फेस्टिवल सीजन में जो बाज़ार में मावा मिलता है, या वो ख़राब होता है या नकली होता है, और जो घर पे हम दूध से बनाते हैं ना, उसमें घंटों लग जाते हैं। तो आज मैं क्विक एंड इजी रेसिपी लेके आई हूँ मावा बनाने की, जिसके लिए हमें सिर्फ 1 कप मिल्क पाउडर, आधा ग्लास दूध और 2 चम्मच चाहिए होगा शुद्ध घी। तो चलिए पैन गर्म करते हैं, उसमें डाल देते हैं 2 चम्मच शुद्ध घी। घी के पिघलते से ही उसमें हम डाल देंगे आधा ग्लास दूध। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध मैंने लिया है। दूध को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसमें डाल देंगे हम ये मिल्क पाउडर। ये 1 कप मिल्क पाउडर मैंने लिया है। वैसे भी जब हमारे पास मावा नहीं होता है और हमें कोई मिठाई बनानी होती है, तो हम उसके लिए मिल्क पाउडर ही यूज़ करते हैं। तो इसी मिल्क पाउडर से आज हम इंस्टेंट मावा बनाएंगे, जो कि सिर्फ 3 या 4 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये साइड्स छोड़ने ना लगे। अगर कढ़ाई पे आसपास चिपकता है तो इसे स्क्रैच करते हुए मिक्स करते जाएं। अभी थोड़ा स्टिकी स्टिकी है, पकने के बाद ये एकदम साइड्स छोड़ देगा। तो सिर्फ 2 या 3 मिनट में देखिए इसने साइड्स छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, ये मावा ऑलमोस्ट रेडी है। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। स्पून की हेल्प से इस तरह से हम कट्स लगा देंगे इसके ऊपर और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए, अभी गर्म है ना, अभी इसका वो टेक्सचर नहीं आया है। और ये देखिए, ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल मावे वाला टेक्सचर आ गया है। इसका टेस्ट भी सेम मावे वाला है। तो इस फेस्टिवल सीज़न आप इस मावे से मिठाइयाँ बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। और देखते रहिए कुक विद गुरमीत, क्योंकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं इसी मावे से एक मिठाई बनाने वाली हूँ।